सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट विज्ञान। इस क्लास की जो टाइमिंग 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले हमने विज्ञान का पार्ट 1 राजन सीरीज से जितने भी 10 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं अपनी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, 10 क्वेश्चन। यहाँ से 11 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को हम बताते हैं ये साइंस के जो प्रश्न हैं ये राजन सीरीज से हैं, और राजन सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजन सीरीज में यही थोड़ी कमी होती है, जो आंसर होता है थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से गलत हो जाता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो राजन सीरीज से ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट सीरीज है। पवन सीरीज भी बेस्ट है, आप दोनों सीरीज से तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसमें क्वेश्चन है सेम इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स आरबीसी और तथा वह दोनों कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि एड्स का विषाणु है HIV, जीका और तथा वह दोनों कोई नहीं। तो एड्स का विषाणु है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV। अगला जो आपका प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है कलरा एड्स पीलिया दंत रोग। तो विषाणु जनित रोग है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। अगला 14 प्रश्न है कि रुधिर के भाग है प्लाज्मा रुधिराणु और तथा वो दोनों कोई नहीं। तो रुधिर के भाग है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और तथा वो दोनों यानी रुधिर के भाग है, प्लाज्मा भी है और रुधिराणु भी है, इसलिए ये दोनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 15 प्रश्न है कि ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन रुधिर प्लेटलेट्स और तथा वो दोनों कोई नहीं। तो ऑक्सीजन वाहक होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्लियर। अगला 16 प्रश्न है कि निम्न में से पोटेशियम का संकेत है NaPbKCU। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इजी और महत्वपूर्ण, पोटेशियम का जो संकेत होता है वो होता है K, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है कि कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट कॉपर ग्लास कॉपर पाइराइट सभी। तो कॉपर का अयस्क होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्यूप्राइट भी होता है कॉपर ग्लास भी होता है कॉपर पाइराइट भी होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर, जैसे कि आप सभी को पता है 16 सितंबर आज यानी कल ओजोन परत दिवस था, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर मोतियाबिंद उत्परिवर्तन उपयोग सभी, यानी ओजोन परत के क्षरण से ये तीनों ही होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत ग्रीन हाउस गैसों की परत और तथा वो दोनों कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। अगला 20 प्रश्न है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है जिंक का लोहा का कॉपर का सिल्वर का। तो हेमाटाइट किसका अयस्क है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लोहा का, ठीक है। अगला प्रश्न है 21 के किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं Al का Zn का Zn का Pb का सभी का। तो फ्रेंड्स, यानी किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, यानी Al Zn Zn Pb उपयुक्त सभी। अगला 22 प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्टामीटर अमीटर और तथा वह दोनों कोई नहीं। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। 23 प्रश्न है कि विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर अमीटर
अतथा ब दोनों कोई नहीं। तो विभवांतर मापने का यंत्र है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 24 प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी। तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। 25 प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। 26 प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल करेक्ट है। अगला 27 प्रश्न है कि ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ओजोन परत के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, कोई नहीं। तो फ्रेंड, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, ताजमहल जो है वो दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा है, तो इसका जो कारण है वो अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल दिन प्रतिदिन भद्दा हो रहा है, या कह सकते हो होने का कारण है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा। अगला 28 प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला 29 प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वायु प्रदूषण, ठीक है। अगला 30 प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 30 का जो आंसर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का गर्म होना, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, पृथ्वी का गर्म होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दोनों, कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है, इसलिए इसे हम ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का गर्म होना। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 32 प्रश्न है, लास्ट आज का क्वेश्चन है कि ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहता तो जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, और व दोनों, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत को कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक परत। तो फ्रेंड्स, आज के हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए अम्ल वर्षा में उपस्थित, ठीक है, चलिए एक बार फिर से लास्ट रिवीजन हो जाता है और आप आंसर भी कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, रुधिर प्लेटलेट्स एड्स का विषाणु है, HIV विषाणु जनित रोग है एड्स, रुधिर के भाग है प्लाज्मा, रुधिराणु ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन रुधिर प्लेटलेट्स, निम्न में से पोटेशियम का संकेत है के, कॉपर का अयस्क है सभी हो जाता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद उत्परिवर्तन उपयोग सभी, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, हेमाटाइट किसका अयस्क है लोहा का,
किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एयर, ZN, PB यानी सभी। विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा के कारण। ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है, दक्षिण ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है। ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत। तो फ्रेंड, जितने भी आज के क्वेश्चन थे, आई थिंक 20 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आई होप कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे DLED 4th semester के प्रशिक्षु हैं जो, क्योंकि मैं 4th semester की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करती थी, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु जो थे कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप 4th semester की क्लासेस भी चलवाइए अपने चैनल पे, तो इसलिए आप सभी के लिए हम कर रहे हैं। तो आप सभी भी ये काम करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी जो प्रशिक्षु हैं वो जुड़ सके। और फ्रेंड, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।